जैन दोस्तों, तो यार आज मैं ना वापस बात करने वाला हूँ आईआईटी मंडी के बारे में, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले गेट का एग्जाम था तो मैं एनआईटी हमीरपुर गया था एग्जाम देने के लिए। पर मैंने सोचा कि मैं आईआईटी मंडी भी थोड़ा सा होके आता हूँ, क्योंकि एक कॉलेज लीविंग एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सोचा था अपना नो ड्यूज क्लियर करवा लूंगा वहां से, तो जो रिफंड आना होगा वो आ जाएगा। लेकिन वहां जाके तो मतलब मेरा एकदम दिमाग सा खराब हो गया। वैसे मेल तो मेरे पास आते रहते, क्योंकि मेल की जो एक आईडी बनती है वो मेरी अभी तक एक्टिवेट है और मेरे पास लॉगिन है, तो मैं उसके अंदर देखता रहता हूँ कि अभी मतलब जो भी नया आईआईटी में चला हुआ है। तो मैंने उसके अंदर देखा था हॉस्टल्स भाई की फीस और कॉलेज की फीस, ट्यूशन फीस जो होती है पहले काफी कम हुआ करती थी, अब उसको तो मतलब 2022 में काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था आईआईटी मंडी के अंदर। तो उसके बावजूद भी मतलब अब जो हॉस्टल्स के अंदर वॉशिंग मशीन होती है जिसमें कपड़े बच्चे अपने धोते हैं, उस पे भी चार्ज लगा दिया गया है। अब वो मतलब अगर आपको अपने कपड़े धोने हैं तो पर वॉश 30 रुपीज लगेंगे, और उसमें भी एक बकेट से ज्यादा आप कपड़े नहीं दे सकते। ये आईआईटी मंडी का ऑफिशियल रूल है, आप किसी भी आईआईटी मंडी के बच्चे से पूछ सकते हैं, और मेरे पास मेल भी है प्रूफ के लिए, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, आप पता कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और उसको अप्लाई हुए कम से कम 1 महीना भी हो गया, शायद जनवरी से ही अप्लाई हुआ था। और मैं बात करूं फीस हाइक की, तो फीस हाइक का कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों ने आपस में बात करी थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कोई बच्चा सामने नहीं आया, क्योंकि सब लोग बहुत डरते हैं कि यार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रिक्ट है, आप उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, वो चाहे सही करें गलत करें, बच्चों को पता भी नहीं है कहाँ होती है कंप्लेंट। बस यही है कि जो कॉलेज ने बोला है, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज में फीस हाइक हुई थी और कुछ कुछ में कम भी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुई क्योंकि बच्चों ने कुछ किया ही नहीं। अब बच्चे कुछ करेंगे नहीं तो कॉलेज भी क्यों ही करेगा कुछ। अब बीटेक की फीस तो हमेशा से ही ज्यादा थी, इस बार और शायद और बढ़ा दी गई है। बीटेक का मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, जो है कि एमटेक का है कि एमटेक की फीस तो बढ़ाई है, साथ में एमएस और पीएचडी की भी बढ़ा दी गई है, जो कि फीस सबसे कम हुआ करती थी, अब एमएस और पीएचडी और एमटेक मतलब लगभग तीनों की बराबर ही फीस कर दी गई है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर मैं मेरे सेमेस्टर की बात करूं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एमएस और पीएचडी मतलब हमको एमटेक रिसर्च कर दिया गया है, तो दोनों की फीस फर्स्ट सेमेस्टर की 78,425 फीस थी पीएचडी की भी, और सेम फीस चलेगी सेकंड सेमेस्टर से, 54 या 56,000 समथिंग कुछ ऐसा रहेगा, 12,000 माइनस हो जाते हैं उसमें से, जो वो रिफंडेबल फीस होती है वो पहले सेमेस्टर में ज्यादा लेते हैं। तो ये सब मतलब फीस मेरे को पीएचडी का समझ में नहीं आया, पीएचडी की इतनी फीस क्यों है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं 5 साल कॉलेज में, कॉलेज का ही नाम करते हैं उसके बाद भी मतलब। और एमएस वो तो मिनी पीएचडी ही है, फिर भी एमएस का मैं नहीं कहूंगा इतना कुछ एमटेक रिसर्च का, ठीक है, लेकिन पीएचडी वालों के साथ चलो अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मेरा काम है थोड़ा लोगों को बताने का, यूट्यूब पे लोग मतलब मेरे को मिले हैं आईआईटी मंडी में भी फर्स्ट ईयर वाले जो बताते हैं कि हमने आपकी वीडियोज यूट्यूब पे देखी थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा है कम से कम कोई देखता तो है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और नॉलेज देनी चाहिए। अब मैंने एक दो पॉइंट्स लिख लिए थे, जैसे कि हाँ जब मेरा एडमिशन हुआ था तो वैसे डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर होते हैं, मतलब कि जैसे बहुत सारे मतलब आपको पेजेस दिए जाते हैं उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ता है, कम से कम 7-8 होते हैं पेजेस उसके अंदर। मतलब जैसे आईआईटी मंडी बहुत ज्यादा ऐसी जगह पर है जो कि मतलब जगह सेफ नहीं है कि आप ऐसे कहीं भी मुंह उठा के जा नहीं सकते, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन होता है कि आपके ऊपर फाइन लग जाएगा अगर आप नदी किनारे जाते हैं या किसी विदाउट परमिशन कॉलेज के बाहर चले जाते हैं कहीं दूर, तो लैंडस्लाइड वगैरह जब होती है तो मतलब बिना परमिशन आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते पैदल, हाँ बस चलती है आप बस से जा सकते हैं, तो उस पर साइन था। तो उनमें से एक पेपर ये भी था कि आईआईटी मंडी अगर आपके ऊपर कोई भी मतलब एक्शन लेता है, आपके आपने कोई भी फॉल्ट किया हो या नहीं भी किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्शन तो लेते ही, आपको पता ही है इतना कुछ, तो अपनी पुरानी वीडियोज में मैंने आपको बताया ही है कि जब भी कॉलेज आपके ऊपर कोई एक्शन लेगा तो आप उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में मतलब कोई केस नहीं कर सकते। ये एक पेपर था, मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि हम दो दोस्त थे साथ में बैठ के जब हम साइन कर रहे थे, तो आपस में बात करते करते हम लोग, हमारे पास काफी टाइम था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों का स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ था, लेट एडमिशन था, तो हमारे पास ऐसा कुछ लास्ट डेट नहीं थी फॉर्म को साइन करके वापस देने की, तो हम लोग बैठ के मतलब अच्छे से एक एक लाइन पढ़ गए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बच्चे क्या करते हैं फटाफट साइन करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है बिना साइन करे तो वैसे भी एडमिशन कंप्लीट नहीं होने वाला, तो फटाफट साइन किया और पकड़ा दिया। तो हम लोग बैठ के ऐसे ही बस साइन कर रहे थे, तो एक एक लाइन पढ़ रहे थे कि क्या है ये क्यों है किस लिए है, तो उसमें से उस पेज पे हम खूब हंसे थे कि मतलब ये क्या चीज़ है, अगर हम पे कोई एक्शन होता है अगर वो हमको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, और हमने ऐसा कुछ किया तो उल्टा हम पे ही केस लग जाएगा। मतलब मैंने कहा हम वाह, हम लोग खूब हंसे 15 मिनट उस बात पे। वो बात बहुत ही पुरानी, कब की उसकी बात है, अगस्त की बात है, यहाँ 2022 के।
और यार बात करें कपड़े धोने की, तो सारे लगभग जिनको मैं जानता हूं, मैं जब अभी आईआईटी मंडी गया था, लगभग सारे 90% दोस्त मेरे सारे के सारे कपड़े लोग हाथ से ही धोए हैं। लगभग 95% ही मान लो, कुछ होंगे जो लॉन्ड्री का यूज करते हैं, बाकी मुझे नहीं पता कौन यूज करते हैं, बाकी मेरी पहचान में तो कोई यूज नहीं कर रहा है। मतलब सब के सब कपड़े हाथ से ही धो रहे हैं। और ऐसे मतलब अभी मेल भी आया था, अभी 90% अटेंडेंस कंपलसरी कर दी। अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अभी विंटर सेमेस्टर, जो विंटर एडमिशन के बाद ये जो भी सेमेस्टर होता है इसको इवन सेमेस्टर बोलते हैं, तो इसके अंदर 90% अटेंडेंस कंपलसरी कर दी है। अब जिसके चक्कर में, वैसे सहेज गोयल नाम का एक हॉस्टल सेक्रेटरी है, उसने हॉस्टल सेक्रेटरी है मतलब कोई सेक्रेटरी है, मतलब सेक्रेटरीज होते हैं, तो उसने मेल किया था कि आप मतलब 90% अटेंडेंस कंपलसरी कर रहे हैं, और मतलब हम बच्चों को लगभग अपना जितने भी कपड़े हैं अपने हफ्ते के एक ही हफ्ते में धोने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा काम बढ़ गया है हमारा, तो हम क्लासेस ऐसे टाइम पे अटेंड नहीं कर पा रहे, ऊपर से 90% हर सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो कोर्स इंस्ट्रक्टर होते थे, मतलब जो भी टीचर होते हैं जिस भी कोर्स के, उन सारे प्रोफेसर ने अपना अपना मतलब अटेंडेंस क्राइटेरिया रखा था। किसी प्रोफेसर को उनके सब्जेक्ट में 75% चाहिए, किसी को 90% चाहिए, किसी को चाहिए ही नहीं, वो कहते थे कि कंपलसरी टू ऑल, अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, आप सभी को रोज आना है। बस इस सेमेस्टर से पता नहीं क्यों ऐसा मेल आया है, उसमें लिखा हुआ था कि 90% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो वो देखा मैंने, मैंने कहा यार, किसी ने आवाज उठाई सेक्रेटरी ने, उसने बोला 90% या ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें अब इतना मतलब कपड़े हाथ से ही धो रहे हैं हम, तो उसमें फिर हैं टेक्निकल सेक्रेटरी वगैरह सबने कुछ ने एक आध दो ने सपोर्ट किया। मुझे अभी तक मुझे नहीं पता उसका कोई मतलब उसके सपोर्ट में कुछ आया है, क्योंकि मैं वहां पे हूं नहीं, और इतना रेगुलर मेल अब मैं चेकअप ज्यादा करता भी नहीं, क्योंकि अब मैं दूसरी चीजों पे अपना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बस यही बात है कि मतलब एक तरीके से बच्चों को पता नहीं कैसे परेशान किया जा रहा है वहां पे। मैं होता तो मैं लिटरली परेशान रहता, मैं बहुत खुश हूं मैंने छोड़ दिया। बस बस मेरे को लगता है कुछ कुछ पॉइंट्स जिसमें बच्चे अवेयर होना चाहिए एडमिशन के पहले, यार हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया क्या है, तो मतलब इसलिए मैं थोड़ा अवेयर कर रहा हूँ बच्चों को कि मतलब पता होना चाहिए यार, सीधी सी बात है। और बात रही बाकी आईआईटीज के अटेंडेंस क्राइटेरिया की, तो जो अपने 3 आईआईटी हैं जैसे कानपुर, हैदराबाद और भुवनेश्वर, इनमें तो अटेंडेंस क्राइटेरिया है ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी आईआईटीज में है वो, उन्होंने मेल में मेंशन किया था कि ये जो आईआईटीज हैं ये फीस कह रहा हूँ, ये अटेंडेंस क्राइटेरिया रखते हैं, और इसलिए हम भी ऐसा कुछ 90% वाला से, 90% तो वैसे किसी भी आईआईटी की मैंने देखी नहीं थी उस लिस्ट में, आईआईटी मंडी था उसमें 90% वाली लिस्ट में। बाकी एक चीज और मैं मतलब जोरदार बताना चाहूंगा, जैसे कि बात रही डोनेशन की, अब हाँ होता यह था कि जैसे जितने भी बच्चे मतलब फाइनल ईयर में एमटेक के हों, पीएचडी के हों, या फिर बीटेक के हों, कोई से भी मतलब जो पहला बैच जो मतलब प्लेसमेंट से जो भी पास आउट हो रहा है और जो भी उनकी प्लेसमेंट लग रही है, तो वो उनको 5% डोनेट करना पड़ेगा। अब डोनेट डोनेट से आपको लगेगा कि डोनेट तो यार इंसान अपनी इच्छा से करता है, नहीं, यहाँ पे विलिंगनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा था कि आपको 5% अपनी सैलरी देनी ही है। अब मुझे पता नहीं यार ये कौन रूल बनाता है, वो तो अच्छा है हमारे एकेडमिक सेक्रेटरी का, उसने बड़ा सा एक मेल लिखा कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब कि ये मतलब कंपलसरी कर दिया, ये नहीं कि आप बच्चों से पूछ रहे हो या जो देना चाहे, या फिर आप उनसे बोल रहे हो कि अगर किसी की इच्छा है तो दे दे, नहीं देना ही है। तो यार एकेडमिक सेक्रेटरी का भैया बहुत बढ़िया, मतलब उसने एक आवाज उठाई, नहीं तो कोई भी बच्चा आवाज नहीं उठाता, लोग बस देखते हैं यार ये क्या किया कॉलेज ने, फिर इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में भुगतना तो वो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर इग्नोर कर देते हैं यार। पता नहीं क्यों बच्चे आजकल क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, आवाज ही नहीं उठाते किसी चीज के लिए। भाई उन्होंने फिर मतलब एकेडमिक सेक्रेटरी ने मेल में लिखा कि यार ये ऐसी कोई ऐसी प्रैक्टिस तो कोई दूसरा आईआईटी भी नहीं करता, वो भी यही बोलते हैं अगर डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है, ऊपर से फिक्स कर दिया 5%। अब सब लोग इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते कि अपनी सैलरी, भाई किसी का 6 लाख का लग रहा है, किसी का 30 लाख का लग रहा है, चल 30 लाख वाला तो अपनी इच्छा से कर भी दे। अब भाई कोई गरीब घर से आया, उसका पैकेज भी कम लगा है, तो उसमें से भी वो 5% अपना उसमें दे, ऊपर से टैक्सेस वगैरह और कट जाते हैं उसके अंदर, उसमें से अपनी सैलरी जबरदस्ती डोनेट करना है यार ऊपर, ये कोई बात होती है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ सामने वाले से कि नहीं तुम्हें डोनेट करना है, डोनेट का नाम दे रहे हो उसको, पता नहीं कौन बनाता है इस रूल को यार। ऊपर से मैंने सुना है कि जितने भी चीजें जो रूल्स वगैरह कॉलेज के अंदर होते हैं, ये पहले डायरेक्टर से अप्रूव भी होते हैं, शायद होने भी चाहिए, और ये भी शायद होते हो यार। डायरेक्टर सर मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके घर में आता था गीता सुनने, लेकिन ये इस चीज को आप कैसे अप्रूव कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो ठीक कोई नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो यार इस चीज को तो अप्रूव नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि
क्योंकि मैं जब से आईआईटी मंडी में आया हूँ और फिर धीरे धीरे देखता जा रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे हर चीज के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि लूट मची हुई है। कपड़े धोने के पैसे पास आउट हो रहे हो तो उसमें 5% का वो तो अच्छा है कि अभी वो 5% वाली चीज को होल्ड पे रख दिया गया है, अभी उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई कर दिया था, वो एकेडमिक सेक्रेटरी ने आवाज उठाई और 5 पॉइंट्स ऐसे अच्छे लिखे कि उन्होंने बताया कि यार ये कॉलेज के को बैड बुक्स में डाल देगा यार, कि कोई भी आईआईटी ऐसा नहीं करता। इसलिए बाकी क्या बताऊं यार, ये रूल पता नहीं कौन बनाता है यार आईआईटी के अंदर, और उसको अप्रूवल भी मिल जाता है। उन्होंने तो ये भी बताया था कि जो सीएनपी के बच्चे हैं ऑलरेडी प्लेसमेंट में जब बैठ रहे हैं तो वो 1500 रुपये दे रहे हैं, और उसकी भी मतलब जो फीस बढ़ा के 2000 कर दिए 1500 से, मतलब इतना करने के बाद अब बंदा अपना सैलरी भी डोनेट करे। हे भगवान भाई, दान ना अपनी इच्छा से दिया जाता है, जबरदस्ती लिया नहीं जाता। बात और बताऊं तो जैसे अपना मैं एक बार डीन स्टूडेंट्स ऑफिस गया था, मतलब एक ऑफिस है जो मैक्सिमम अपने कॉलेज के मेजर डिसीजंस लेते हैं, तो वहां पे मैंने पूछा था। वहाँ मेन जो सबसे पहला कैबिन है वहां पे एक मैम बैठती है, उनका नाम कुछ जी से स्टार्ट होता है, उनका नाम गुंजन नाम है उनका। उनसे मैंने पूछा था कि मैम यहाँ पे कोई मतलब फाइन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कि मतलब कोई चार्जशीट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि जिसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोई फाइन हो, कि अगर कोई कुछ करता हुआ पकड़ा गया तो उसमें ये फाइन है, किसी के रूम पर ये कोई मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो मतलब अलाउड नहीं है, जैसे कि आप कैटल वगैरह या इंडक्शन अपना खुद का रख नहीं सकते तो उसका कोई फाइन, कोई डिटेल कुछ नहीं है, मतलब अनडिशर्ड फाइन लगता है, कुछ भी लगता है, कोई पहले से प्री डिफाइंड फाइन नहीं है। अगर आप कोई भी कॉलेज का रूल्स कोई भी आप ब्रोक करते हो तो उसके अंदर कोई या जो भी आपके ऊपर फाइन लगाते हैं, कम्युनिटी सर्विस लगाते हैं, वो मतलब प्री डिफाइंड नहीं है, वो कभी भी किसी पे भी वेरी कर सकती है, मतलब अनडिशर्ड डिसीजन यार, मतलब फाइन ही ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, उनकी मर्जी के हिसाब से फाइन लगता रहेगा, जैसा जैसे उनका मन करेगा वैसा उनका फाइन लगता रहेगा। मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, मैं वहीं खड़ा था जब एक बच्चे पे मतलब कुछ उसके रूम पे कुछ पकड़ा गया था, जैसे कि कुछ कैटल थी या फिर वो था इंडक्शन था, तो उस पे फाइन लग रहा था। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो समझ जाओ यार कि मतलब कोई फाइन की भी कोई यहाँ पे चार्जशीट नहीं है, मतलब कुछ तो होना चाहिए डिफाइन किया, अगर आपने ये किया है तो उसके ऊपर इतना फाइन लगेगा यार, क्या मतलब कुछ भी यार यहाँ पे, मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया था भाई आईआईटी मंडी से, कसम से कान पकड़ लिए थे मैंने। हाँ एक पॉइंट था, मतलब है थोड़ी पुरानी बात है, उसको मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए, तो बता देता हूँ। एकदम उसका टाइम था, शायद रेनी सीजन चल रहा था, मेरा एडमिशन हुए हुए 2 महीने या 3 महीना, अक्टूबर की बात है ये, हाँ अक्टूबर के पहले पहले की, मतलब उसी बीच की ट्रांजिशन की। तो उसके अंदर एक टॉपिक चला था कि जैसे कि जो कैंपस के अंदर कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनका क्या करना चाहिए, उनको मतलब ऐसे खुला छोड़ना मतलब ऐसे सही है कि नहीं है, क्योंकि मतलब वो थोड़ा हार्मफुल भी हो सकते हैं, मान लो कोई अगर जंगली डॉग है तो हो सकता है कि वो बच्चे किसी बच्चे को काट ले, मतलब बड़े बच्चों को तो ऑब्वियसली नहीं काटते, छोटे बच्चे जो रहते हैं उसके ऊपर मतलब बड़े बच्चे तो पता है मार के भगा देंगे, लेकिन यह है कि छोटे बच्चे जो हैं मतलब जो फैकल्टीज भी रहते हैं कैंपस के अंदर ही, तो उनका भी मतलब वहाँ पे वो है फ्लैट्स हैं क्वार्टर है, तो वहाँ पे वो रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे गार्डन में खेलते हैं, तो उनके लिए वह लिटरली बता रहा हूँ इस टॉपिक पे इतने प्रोफेसर और फैकल्टीज ने पार्टिसिपेट किया था ना, मत पूछो। 2-3 दिन तक तो मैं मतलब यही देखा था ये मेल में क्या चल रहा है मेरे, रोज किसी नए फैकल्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है वो कॉलेज में उसके ऊपर कभी कोई कुछ नहीं बोलता यार, पता नहीं क्या हो गया आईआईटी मंडी को, ये भगवान रक्षा करे यार। ये मतलब एक फालतू से टॉपिक पे सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, अपना अपना सब कुछ करेंगे, लेकिन काम की बात पे कोई कुछ नहीं करेगा। ये 5% वाली चीज, मतलब एक प्रोफेसर भी ने भी आवाज उठाई हो, या फिर ये जो फीस बढ़ी है इस पे किसी ने कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ये 30 रुपए वाले धोने का सिस्टम, सारे बच्चे अपने हाथों से कपड़े धोने लगे, भाई उनका टाइम वेस्ट होता है। रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं उनको टाइम चाहिए काफी पढ़ने का, रिसर्च करते हैं वो, देखा है मैंने आईआईटी मंडी में ही कुछ कुछ लोगों को 6-7 साल पीएचडी में लग जाते हैं, एमएस 3 से कम 4 साल खिंच जाती है। यार मैं भी तो एमएस में था, मेरे को छोड़ना पड़ेगा यार, मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया था वहां पर, और मत पूछ यार ऊपर से, मैं तो चलो मेरे पास नहीं है पैसे इतना मैं कोर्स कंटिन्यू करूं, और ऊपर से इतना कुछ हुआ है मेरे ऊपर, आईआईटी मंडी को पता है अगर वो ये वीडियो देख रही है तो। बाकी कोई आवाज नहीं उठाता, क्या बोलूं मैं, वो तो मेरे को तो लोगों ने भी बोला भाई यूट्यूब पे वीडियो मत डाल, मैंने कहा यार आने वाले जो लोग हैं उनको तो पता चले, जो लोग ऑलरेडी हैं वो नहीं छोड़ पा रहे, बीटेक वाले तो कैसे भी नहीं छोड़ सकते कॉलेज, एमटेक पीएचडी वाले तो हैं कुछ मेरे सामने, मेरे ही दोस्तों ने कुछ कुछ ने छोड़ दिया,
उनको देख के मुझे भी बुरा लगा, वो छोड़ो क्या बोलूँ मैं, मतलब लेकिन फिर भी यार एक एक कॉमन सेंस होता है यार कोई भी डिसीजन लेने का। बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो हायर अथॉरिटी में बैठे हैं, मतलब आंख बंद करके पता नहीं कैसे क्या अनाप शनाप डिसीजन लेते हैं, और फिर हे भगवान क्या बोलूँ मैं। ऊपर से वो गंदा सा रोड जिसमें से बस निकलती है आईआईटी मंडी की साउथ से नॉर्थ कैंपस जाने के लिए, भाई साउथ कैंपस से जब 40 बच्चे नॉर्थ कैंपस जा रहे हैं, ज्यादा ही जा रहे हैं, मतलब खड़े रहते हैं, 30 ही बच्चे एक बार में बैठ पाते हैं बस के अंदर, बाकी खड़े रह जाते हैं, फिर 15 मिनट बाद बस आती है उसके अंदर बैठ, भाई इतने बच्चे जा रहे हैं यार नॉर्थ कैंपस, इससे अच्छा एक प्रोफेसर वहां से नॉर्थ कैंपस से साउथ नहीं आ सकता बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूरी की बस बस भरा के जाती है, वो बस भर गई तो फिर उसके बाद फिर जो बच्चे रह गए उनकी क्लास छूट जाती है, फैकल्टी कहते हैं हमसे जल्दी उठो। अब जल्दी उठ गए तो हमारा तो ब्रेकफास्ट जो लंच का टाइम है हम तो वो करके ही जाएंगे ना पूरा। यार मेरा पहला सेमेस्टर तो भगवान जाने, और अभी जब मैं वापस गया था अभी अपना जब एप्लीकेशन देने, तब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तब एमटेक वाले जितने भी मेरे दोस्त थे एमटेक एमएस वाले वो थोड़े से और ज्यादा मतलब बिजी हो गए, मतलब ज्यादा बातचीत करने का टाइम नहीं मिला, कह रहे भाई क्लासेज हैं, और मतलब लोड बढ़ गया। फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता था बात करने का, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। ऊपर से ये 90% क्राइटेरिया अटेंडेंस का भगवान जाने क्या होगा आईआईटी मंडी का। यार अगर यार कमेंट करना अगर किसी को पता हो तो यार ऐसे किसी मतलब कॉलेज के जो अनाप शनाप डिसीजन है उनका कंप्लेन अगर कहीं कर सकते हैं तो यार, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उसको पता है तो कमेंट में यार डिटेल लिख देना, तो दूसरे बच्चों काम आ जाएगी कि ऐसी चीजों की कंप्लेन कहाँ होती है जिसमें दोबारा केस हम पे ना लगे। वैसे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ जितना बताने लायक है, अंदर की बात तो अंदर वाले बच्चे और अच्छे से जानते हैं, बाकी मेरा काम था आपको जागरूक करने का। आप एडमिशन लेने से पहले हर एक कॉलेज की वीडियोस यूट्यूब पे या फिर नेट पे जो भी गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हो उसको पढ़ो, उसको वेरीफाई करो, किसी लिंक्डइन पे चले जाइए, वहाँ पे जो बच्चा ऑलरेडी किसी कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछिए कि वहाँ कैसा क्या सिस्टम है, आपको कितनी छुट्टी मिलती है, क्या मिलता है। एमटेक वालों को तो मिलती ही नहीं है छुट्टी भैया, पूरे मतलब एक साल में 30 दिन की छुट्टी, और आप एक बार में 15 दिन की ले सकते हो, बाकी 15 दिन की बाद में ले सकते हो, मतलब एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 20 है, 20 नहीं हाँ मतलब ऐसे बारी बारी करके 20 ले सकते हो एक सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा, और मतलब इकट्ठी चाहिए तो आपको 15 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी, बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो आप अपना वो थोड़ा सा आगे पीछे झोल झाल करके अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर सकते हो, बाकी तो और कोई वो नहीं है। बाकी तो मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान रक्षा करे आईआईटी मंडी के बच्चों की। जय श्री कृष्ण।